लठमार होली पर बरसाना तो 3 जोन और 11 सेक्टरों में बांटा गया है। वीआईपी विजिट 22 मार्च को हो सकती। वहीं मेले को लेकर बरसाना में जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर और गोवर्धन तहसील के एसडीएम राहुल यादव ने बैठक की। बैठक में बिजली विभाग, सांस्कृतिक विभाग, रोडवेज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर पंचायत आदि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मथुरा से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, आज यहाँ पर बरसाना और नंदगांव की विश्व प्रसिद्ध जो लठामार होली है, लड्डू होली है, जो भी आयोजन यहाँ पर होने हैं उसके संबंध में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की द्वितीय बैठक यहाँ पर संपन्न हुई है। विशेष रूप से क्योंकि बहुत अधिक संख्या में दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं इस मेले में सम्मिलित होने के लिए, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बृहद प्लान बनाया गया है। अधिकारियों को फोर्स की डिमांड भी गई है, जिसमें सिविल पुलिस के अलावा पीएसी में अन्य पुलिस बल भी यहाँ पर नियुक्त रहेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो दर्शनार्थी हैं वो सुगमता से पहुँच सकें उसके लिए एक बृहद ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया जा रहा है। बहुत ही शीघ्र एसपी ट्रैफिक साहब और एसपी आरए साहब द्वारा उस पूरे ट्रैफिक प्लान को मीडिया के माध्यम से जारी भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उस दिन जो हमारे आयोजन होना है, चाहे वो मंदिर पर है, चाहे रंगीली चौक में है, तो वहाँ पर क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से चप्पे चप्पे पर यहाँ नज़र रखी जाएगी। इस बार सीसीटीवी कैमरास की संख्या भी बढ़ाई गई है, ड्रोन कैमरास भी विशेष रूप से यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे और पूरा आयोजन एक सुरक्षा व्यवस्था के माहौल में संपन्न हो, जो भी दर्शनार्थी श्रद्धालु यहाँ पर आएँ अपनी श्रद्धा का निवारण कर सकें। देखिए, इस समय पर हमारे यहाँ पर मथुरा में वृंदावन में कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का आयोजन हो रहा है, वहाँ पर भी बाहर का फोर्स आया है, परंतु जो जिस तरह की उनकी ब्रीफिंग हमारे द्वारा की गई है, अच्छा व्यवहार की बातें वहाँ से भी सामने आ रही हैं। जितने भी कोई जो हमारे खोया पाया में होते हैं, बहुत से बच्चों को अपने परिवारों से मिलाया गया है, जो भी हमारे श्रद्धालुगण संतगण आ रहे हैं उनके साथ भी बड़ा ही समन्वय के साथ किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमने 4 संकल्प जो लिए हैं उन्हीं संकल्पों को यहाँ पर भी लागू किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले है सुरक्षा, दूसरा है सुगमता, तीसरा है शिष्टाचार और चौथा है सेवा, क्योंकि इस आयोजन के साथ लोगों की धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए सेवा भाव से सभी पुलिसकर्मी पूरी दक्षता के साथ ड्यूटी करें और अच्छे व्यवहार के साथ ड्यूटी करें, ताकि आने वाले दर्शनार्थी यहां से अच्छी स्मृतियां लेकर के जाएं। इसके लिए उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग और सुपरविजन भी की जाएगी। सर, ये नकली गुलाल जो बेचा जाता है, ये आंखों में लगता है बड़ा नुकसान होता है लोगों को, इसके लिए क्या? देखिए, जितने भी यहाँ पर खान पान की चीज़ें और बाकी चीज़ें जो बिक रही हैं, प्रशासन के अधिकारियों की ड्यूटी उसमें लगाई गई है, सैम्पलिंग लगातार जारी है, आने वाले दिनों में भी सैम्पलिंग की जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह की कोई नकली या हानिकारक चीज़ जो कि दर्शनार्थियों के श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है, ऐसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर बहुत ही सख्त कठोर